Yes, good morning students. Today we will start class 6 science and chapter 2 components of food, and book name is Universal Science, class 6. So in this chapter we will study about the components of food. The food we eat has some special essential components which are called nutrients. So what is nutrient? A nutrient is a substance which provides nourishment for the proper growth and development of our body. यानी कि nutrients वो substance है जो हमारी body को proper nourishment देता है ताकि वे हमारी growth जो healthy हो और हमारा body जो है develop हो. तो these nutrients are carbohydrates, fats, proteins, minerals. These are required for our health, energy, growth and development. So what is nutrition? Nutrition, it is the process by which living organisms obtain food and utilize it for energy, growth and development. यानी कि nutrition वो सब है process जिसमें कि living organism अपने surrounding से जो food प्राप्त करता है उसको body utilize करके उससे हमको energy देती है और हमारा growth और development होता है. तो फूड को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली. वन इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. तो एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो रिच होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स से, और जो दूसरे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं इनमें रिच होते हैं इसमें प्रोटीन्स में, और जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, और ये रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स में होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स. तो एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे प्रिंसिपल या मेन सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं. और ये जनरली बने हुए होते हैं किससे किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं बॉडी के द्वारा, और ये हमको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स सुगर. तो ये एडिबल सुगर जो होते हैं कई तरह के होते हैं, इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज, ये सब सुगर्स हैं जो बॉडी इनको रेडिली ब्रेक डाउन कर सकती है और ब्रेक डाउन करके हमको तुरंत एनर्जी दे सकती है. तो इनको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इसके अलावा दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं बॉडी को डाइजेस्ट करने में. तो इनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बॉडी कन्वर्ट करती है, फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट से इनको सिंपल सब्सटेंसेस कन्वर्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो फॉर एग्जांपल जो स्टार्च है बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है. तो इसके एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं वीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो एंड ब्रेड एटसेट्रा. तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. अब अगर हम किसी सब्सटेंस में स्टार्च की प्रेजेंस चेक करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं. तो एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के साथ साथ एक आयोडीन लेना है, आयोडीन की लिक्विड आती है वो लेनी है, और साथ ही साथ बॉयल्ड पोटैटो लेना है या बॉयल्ड राइस लेना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने बॉयल्ड पोटैटो लिया तो बॉयल्ड पोटैटो को हमने मैश कर दिया अच्छे से, और मैश करके उसके 4-5 ग्राम्स एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल में ले लिए, और उस सैंपल को हमने टेस्ट ट्यूब को अच्छे तरह से शेक कर लेते हैं. तो शेक करने के बाद वो स्टार्च उसमें डिजोल्व जाएगा वाटर में. अब इसको हम इस टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉपर से 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन की, और इस टेस्ट को बोलेंगे हम आयोडीन टेस्ट. तो आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से
ये जो हमारा पोटैटो में स्टार्च है उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इस फूड सैंपल में स्टार्च है. एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो.